संजय लीला भंसाली सलमान खान को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सलमान खान को लेकर बनाने वाले और संजय लीला भंसाली की सारी मूवी टॉप जाती है और उनकी मैं हर एक मूवी देखता हूँ क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनका छोटी से छोटी चीज़ पर काम होता है, कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप से लेकर एसेसरीज से लेकर आपका सेट डिज़ाइनिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट को लेकर, बाकी बहुत सारे डायरेक्टर भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इनका छोटी छोटी चीज़ों पर भी सारे में बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है, बहुत अच्छे से ये अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, तो मेरे को इनकी हर एक मूवी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बहुत जल्दी इनकी मूवी आएगी तो मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं जल्दी से फर्स्ट डे फर्स्ट शो इनका देखूँ। हाँ भैया, साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म में ऐसी भी खबरें हो रही आ रही है कि शाहरुख खान कैमियो करने वाले हैं, तो ये देखना कितना इंटरेस्टिंग होगा और इसके लिए कितना एक्साइटमेंट है? इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा क्योंकि ये दोनों की बहुत जोड़ी, बहुत यूनिक जोड़ी है शाहरुख खान की और सलमान खान की, और जो भी शाहरुख खान की और सलमान खान की जो भी मूवी आती है दोनों अच्छी होती है। अभी जैसे उनकी जीरो मूवी आई तो उसमें बहुत डिफरेंट एक कुछ अलग कैरेक्टर था, अलग स्टोरी थी, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उनकी उस मूवी देखने के लिए भी, और ये मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होगा क्योंकि इसमें दोनों आने वाले हैं और ऊपर से संजय लीला भंसाली, हाँ, तो तीन मेरे लिए बहुत एक्साइटेड पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और फर्स्ट डे में फर्स्ट शो तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा चाहे किसी भी कंडीशन में हो। हाँ या तो ये तो हो गई एक्टर, दोनों एक्टर की बात है, सलमान खान शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली की बात है, अब बात करेंगे फिल्म की एक्ट्रेस की, तो कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसको आप सलमान खान के अपोजिट देखना पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे? दीपिका पादुकोण को मैं देखना पसंद करूंगा क्योंकि दीपिका पादुकोण मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उनका फ़ैन हूँ, ऊपर से मुझे उनका काम भी बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से उनका फिजिक, उनका लुक, उनका ड्रेसिंग सेंस सब कुछ उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दीपिका को मैं देखना चाहूँगा उनके साथ। वैसे तो हमने सलमान खान को दबंगई लुक में देखा है, वही शाहरुख खान को हमने रोमांटिक वाले इसमें देखा है, सलमान खान भी रोमांटिक वाला कर लेते हैं, ये भी दबंग वाला कर लेते हैं, लेकिन ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि मतलब इस संजय लीला भंसाली को नजर में रखते हुए क्या लगता है कि दोनों का कैरेक्टर किस टाइप का होगा और किस तरीके से? देखो ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, बिल्कुल भी एक पर्सन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया कि मैं कैसे इनको पोर्ट्रे करूंगा क्योंकि संजय लीला भंसाली है वहाँ पर और उधर दोनों अपोजिट सब कुछ, तीनों अपोजिट है, तीनों को अपोजिट को देख के तीनों की चॉइस क्या बनी है एक और तीनों क्या दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत मिस्ट्री होगा जानने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि तीनों अपोजिट है तीनों, और तीनों एक ऐसा कुछ करने वाले हैं कि जिससे मतलब कि हम कुछ नहीं कह सकते कि रोमांटिक ही होगी, ये तो मतलब कि ऐसी दबंग जैसी होगी या फिर ये बिल्कुल पद्मावत जैसी होगी, जैसे संजय लीला भंसाली की मूवी थी पद्मावत, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल एक मिस्ट्री है जानने के लिए और मेरे लिए भी और सबके लिए भी एक मिस्ट्री रहेगी, कोई इसको डिसाइड नहीं कर पाएगा आई थिंक सो कि ये ऐसी मूवी आएगी। तो ये सबके लिए एक मिस्ट्री है कि ये फिल्म कैसी होगी? हाँ ये एक मिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आपके लिए मेरे लिए सबके लिए एक मिस्ट्री है, बल्कि बनाने वालों के लिए भी मिस्ट्री होगी कि हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं, तो बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। तो गाइस जब भी इनकी मूवी आइए आप भी जाइए और फर्स्ट डे फर्स्ट शो इनका देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।